हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज पीआईबी न्यूज़ 9 सितंबर 2018 देख लेते हैं। पहली न्यूज़ क्या आ रही है? इंडियंस इन यूएसए शुड नॉट फॉरगेट देयर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रूट्स। वाइस प्रेसिडेंट, contribute your might towards building a new and resurgent India, addresses members of different Telugu association based in USA. ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि जैसे इंडियन इन USA should not forget their spiritual and cultural roots, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है। तो इसमें देख लेते हैं क्या हमारे यूज़ में हो सकता है। जैसे देखें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू हैज़ एडवाइज द इंडियन डायस्पोरा नॉट टू फॉरगेट देयर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रूट्स एंड कंट्रीब्यूट देयर माइंड टूवर्ड्स बिल्डिंग अ न्यू एंड रिसर्जेंट इंडिया। ही वॉज एड्रेसिंग द मेम्बर्स ऑफ 21 तेलुगु एसोसिएशन बेस्ड इन USA इन शिकागो USA टूडे। द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू USA श्री नवतेज सरना एंड अदर डिग्नेटरीज वर प्रेजेंट ऑन द ओकेशन। अब ठीक है, अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी मतलब अब इंडिया का कोई बाहर है तो उसको जो हमारी कल्चर एंड जो यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं इंडिया के जो नेशन एक मतलब अपना होता है तो उसको तो याद रखना ही चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने एड्रेस किया है श्री वेंकैया नायडू जी ने, उसी के ऊपर ये पूरा जो न्यूज़ है वो बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाँ जो मेंस वगैरह के प्रिपरेशन में हमारे ये सब चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एड्रेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। केसवाक एट कोलाहाई ग्लेशियर हिल्स। हाजिक मुश्ताक बेग एंड हिज फ्रेंड्स वर ट्रैकिंग इन द कोलाहाई ग्लेशियर एरिया व्हेन द टीम फेल इन अ क्रेवेस। टू ऑफ द टीम वर फैटली इंजर्ड। हाजिक सफर्ड इंजरीज विच रिक्वायर्ड हिज इमीडिएट इवैक्यूएशन टू अ मेडिकल फैसिलिटी। वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड टू चीता हेलीकॉप्टर ऑफ द उधमपुर बेस्ड होवरिंग हॉक्स यूनिट who happened to be at Srinagar at that point. Two choppers were necessary due to the inhospitable terrain and the poor weather conditions in the general area of operations. The leader of Falcon formation was WGCDR Vishal Mehta with FLT Lieutenant Mittal, Lieutenant Mittal as the co-pilot. The plan was to winch the casualty into the helicopter as no suitable landing site was available. This is the news which related the accident of that particular place. ठीक है, हाजिक मुश्ताक बेग एंड हिज फ्रेंड्स वर ट्रैकिंग इन द कोलाहाई ग्लेशियल एरिया। ठीक है, वेयर देयर इज द वेदर इज नॉट गुड एट द टाइम, सो दे इंजर्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रैकिंग। So it's news related with that. Okay, that's the scene they just provide us. We can see through the zooming it. So through the helicopter, government provide them help. Okay, so that is, this is the news which relate or used in the current affair like this. Okay, so where it just happened, it's a place, it's Kolahai Glacier Hills. Okay. So next news is joint surprise check carried out by CDS CEO at Gajipur, East Delhi to unearth misuse of oxytocin. Okay, oxytocin ke misuse. Recently on 8 September 2018, based on information gathered by CDSCO through intelligence, a joint surprise check was carried out in various chemist shops, departmental stores and dairies in Gajipur, East Delhi by a team of officers of CDSCO and Drug Control Department NCT Delhi for search and seizure for unauthorized sale distribution of oxytocin.
Obviously, each and everyone knows about that oxytocin is not good for us when we consume it through the dairy product. So it will harm our infants, kids, and old age pupils, and everyone who will just get that. So इसके लिए तो थोड़ा सा एक मतलब चेकिंग होती ही रहना चाहिए. मैं समझती हूँ इतना लॉन्ग टाइम में ये लोग क्यों इसको कर पाते हैं. बट अच्छा है कि अगर इस इन चीज़ों पर रोक लग रही है और इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इट्स जस्ट गुड फॉर आवर फ्यूचर. मे बी ये आगे जाके रोका जा सकेगा. आप बताइएगा आपको क्या लगता है ऑक्सीटोसिन का यूज़ हो रहा है, किस तरीके से रोकना चाहिए, आपके ओपिनियन में क्या मतलब आपको लगता है कि विच इज़ द राइट वे टू हाउ टू प्रोटेक्ट दैट ऑक्सीटोसिन इज़ यूज्ड इन मार्केट द फ्यूचर. सो किस तरीके से इसका जो यूजेज है बिल्कुल ज़ीरो किया जा सकता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं. During the search, the team has seized plastic bottles, 200 ml and 100 ml, suspected to be oxytocin injection from a departmental store situated at C9 Ghazipur, Ghazipur Dairy Farm, Delhi 96, run by Shri Rajendra Pal Sethi. That is just a name of that person. Okay, the shop does not hold any license for sale and distribution of drugs as required under the Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945 made thereunder. The samples of the seized bottle have also been collected for test analysis as per the procedures under the said act and rules. Okay, so that's news related with that. So maybe one question raised in the examination, upcoming examination, that related with the oxytocin. ओके तो इस तरीके से हम जो न्यूज़ है उससे हम क्वेश्चनर्स अपने रेडी कर सकते हैं. लाइकवाइज दैट पैरा इज ऑक्सीटोसिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन यूज्ड इन वेरियस कंडीशंस सच एज इंडक्शन ऑफ लेबर, कंट्रोल ऑफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग और हेमरेज. ओके सो कुछ इस तरीके की न्यूज़ भी हमें ये बताती है कि अब देखिए इसके अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम द CDSCO एज वेल एज स्टेट UT ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज हैव कंडक्टेड वेरियस रेड्स टू अनअर्थ क्लैंडेस्टाइन मैन्युफैक्चर सेल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द कंट्री एंड नेसेसरी एक्शंस हैव बीन टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 देयर अंडर. ओके तो ये सब करते रहते हैं ये CDSCO. एक ऐसा मतलब टाइम टू टाइम ये लोग जो है स्टेट UT ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी में जो है कंडक्ट करते हैं, और इस तरह से जो रेड इसमें मारी जाती हैं उसमें ये निकल के आता है कि कहाँ क्या चीज़ का मिसयूज़ जो है वो किया जा रहा है. ओके सो नाउ लेट्स गेट अनदर न्यूज़. Okay, so VC Punjab University meets Dr. Jitain Singh, discusses hostel for student from Northeast Jammu and Kashmir. The Vice Chancellor of Punjab University, Professor Rajkumar, met the Union Minister of State Independent Charge Development of Northeastern Region. It's called in the short that donor, MOS PMO, Personal Public Grievance and Pensions, Atomic Energy and Space. Dr. Jitain Singh here yesterday and discussed the setting up of a separate hostel for students from Northeast and Jammu and Kashmir in the premises of Punjab University at Chandigarh. Theek hai, it's news related with that, the Punjab University, where they just provide the to that Northeastern student and Jammu and Kashmir students to, they just reside over there and taking a knowledge about that a different university. So it's just a good step, जिससे कि जैसे जम्मू कश्मीर में हमें पता है कि किस तरह के circumstances बने रहते हैं, तो वहाँ से जब students आते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा मतलब ऐसा उनके लिए facilities होनी चाहिए कि वो यहाँ पर भी रह करके कम से कम, तो अगर यूनिवर्सिटी से मान लीजिए कि 3 years 5 years का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वो ईजीली यहाँ रह करके सेटल डाउन होकर कर सकें. ठीक है, और कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे पीस नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो अगर कहीं बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ भी क्रिटिसाइज़ ना होना पड़े, उन्हें एक फेवर मिले गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये एक अच्छा स्टेप है फॉर स्टूडेंट पर्पज और हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है. सो ऑल दैट न्यूज़ रिलेटेड विद दैट यू कैन सी दैट हेयर.
In this regard, he disclosed that an exclusive hostel for Northeastern students is under construction in the campus of Jawaharlal Nehru University. Okay. So, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करी जा रही हैं. I think it's just right. What's your opinion? Write me in the comment box. 2-day regional conference on good governance with focus on aspirational districts begin in Bhopal tomorrow. Okay, तो ये क्या है कि मतलब tomorrow दिया हुआ है, हम 9 का देख रहे हैं, because आज का तो आज update होगा, अभी नहीं हुआ है, कल तक आता है. वन डे मतलब एक दिन पहले की न्यूज़ इसके अंदर अपडेट होती है. तो देखिए अभी जो मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब आज से जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है गुड गवर्नेंस के ऊपर, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, वो स्टार्ट हो चुकी है भोपाल में. ओके, आज चल रही होगी जब अभी हम लोग इसे देख रहे हैं न्यूज़ को. द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, अब दैट इज़ एक्रोनिम्स DARNPG. ओके, DARNPG. Government of India in association with the Government of MP is organizing a regional conference on good governance with focus on aspirational districts in Bhopal beginning tomorrow. Delegates from 12 states and 2 UTs will participate in the conference. There will be 5 technical sessions in the 2-day conference. Okay. So on the day 1, 13 presentations will be made in 4 sessions, which will be followed by panel discussions. The theme include ICT enabled education, agriculture, public service and grievance management and good governance initiative. So from there the question can be raised that related with that two regional conference on which topic, hai na, on that the theme, what's the theme, every time we can see that the themes, questions of that summit and any means conferences themes. So they just be asked with us the key theme kya thi. So we can jab bhi hum news padhe to we can understand that the what the theme of the summit or any conference hai na. तो जो भी हो रही हो तो उसकी कोई थीम रही होगी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बन जाता है. तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें यूज़फुल मिल जाएंगी, ठीक है. और यूज़ पैरेलल चलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के अंदर. तो आपको आजकल जो ट्रिकी क्वेश्चन सारे हैं उसके लिए आपको एनालिसिस यानी एनालिटिकल वे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. इसके साथ में भी इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना. तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन पब्लिक ग्रीवेंस के ऊपर है ना, तो इससे रिलेटेड भी कुछ और पूछा जा सकता है. तो डोंट फील लाइक दैट कि ओनली सिंगल हम जैसे न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें उससे एक ही आइडिया मिल रहा है. रिलेटेड विद दैट ऑफिसर्स में, मिनिस्ट्रियल में, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, थीम्स पूछी जा सकती है, ठीक है ना. ये कॉन्फ्रेंस हुई किस चीज़ के ऊपर थी, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को जो क्वेश्चन बना करके एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जो है दे दिया जाता है. जैसे कि आपने न्यूज़ तो पढ़ी थी बट एनालिटिकल वे में नहीं पढ़ी थी, तो व्हेन वी आर जस्ट नॉट रीडिंग अ न्यूज़ इन दैट वे कि हम उसे सारी बातों को हर एंगल से समझ पाएँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि हम ट्रिकी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें आपको केवल टिक मार्क करना होता है, आपको राइट डाउन नहीं करना होता है, तो आप अपनी बात समझा भी नहीं पाएंगे उसमें, है ना. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ऐसे करना पड़ता है. तो ये सारा कुछ जो मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है वो डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जो मतलब एक पब्लिक का मतलब एक वो रहता है, गुस्सा रहता है, उसके ऊपर ये सारा कॉन्फ्रेंस जो है भोपाल में हुआ, ठीक है. सो दिस इज़ द न्यूज़ फॉर दैट डे. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर यू कैन कमेंट बिलो मी टू आस्क एनी क्वेरी. एंड यू जस्ट इफ़ यू जस्ट लाइक टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आई जस्ट गिविंग द एड्रेस ऑल्सो, सो यू कैन आस्क एवरी टाइम फॉर मी वेन एवर आई जस्ट गेट अ टाइम टू रिप्लाई योर क्वेश्चन, ठीक है. सून वी विल टेक अ बैकलॉग फिनिश फास्टली. ओके, हैव अ नाइस डे.